तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आज इस वीडियो में BSF रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर का जो मेडिकल होने वाला है उसमें क्या क्या शामिल होने वाला है सब कुछ इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। और जो कोई भी कैंडिडेट डिफेंस जॉब के लिए तैयारी कर रहे, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे तो 110% वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं मेडिकल के लिए जुड़े हुए सब इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बोलने वाला हूँ कि मेडिकल में क्या क्या होता है। इससे पहले जो भी मेरा चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, आपका जो पहला मेडिकल होता है वो होता है नॉकनी। तो आप लोग देख सकते कि पहला जो नॉकनी है उसमें नीचे साइड में बहुत ही बड़ा गैप है और ऊपर बहुत ही कम गैप है। तो अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा नॉकनी है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट, इसमें आप लोग देख सकते कि ऊपर और नीचे बहुत ही बड़ा गैप है। तो अगर आपका नॉकनी थर्ड नंबर की जैसा है तो आप लोगों को भी मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपका नॉकनी इस जैसा है तो आप लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इधर और इधर बहुत ही कम गैप है। तो गाइस, इसके बाद आता है जो सेकंड मेडिकल पॉइंट, वो है आपका पाइल्स को लेकर। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस कैंडिडेट का भी पाइल्स का प्रॉब्लम रहता है, मैं उनको हमेशा एक बात बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपको पाइल्स है उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड उसको ठीक कर लेना चाहिए, बिकॉज पाइल्स एक ऐसा बीमारी है वो जो कि बहुत ही टाइम लेता है। तो अगर आपको पाइल्स हो जाता है तो आपको मेडिकल से 100% निकाल दिया जाएगा। आपको रीमेडिकल का जो पॉइंट है उसका भी नहीं चांस दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं 2021 में SSC GD में क्वालिफाइंग कैंडिडेट हूँ, जिसमें मैं रिटन एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई था, फिजिकल में भी क्वालिफाई था और मेडिकल भी फिट था। बट मेरे को रीमेडिकल मिला था मेरा आई के लिए, जिसमें मेरा एक आई में एक ब्लैक स्पॉट था जो कि आइडेंटिटी मार्क है। तो मेरे को फाइनली फिट कर दिया गया है, बट मेरा नौकरी फाइनल नहीं हुआ, बिकॉज मैं रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स तो अच्छा लेकर आया था, बट मेरा जो रीमेडिकल है वो शिलोंग पढ़ा था। तो मैं उधर जब गया था तो उधर मेरे साथ करीब 15 से 20 लोग गया था और उधर में से बस मैं अकेला फिट हुआ। तो मेरे हिसाब से उधर का जो मैं फिट हुआ जो पेपर है वो मेरा त्रिपुरा में नहीं भेजा, इसलिए मेरा नौकरी नहीं हुआ। तो छोड़िए ये सब बात, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट की, जो कि आपका फुल बॉडी स्कैन करना। तो इसके बाद आपका जो पूरा बॉडी है उसको स्कैन करेंगे। अगर आपका बॉडी में कोई भी हड्डी टेढ़ी हुई है तो उसको रीमेडिकल दिया जाएगा। तो गाइज, इसके बाद बात करें हैंड एल्बो एंगल की, तो इधर जो मिडिल फोटो आप लोग दिख रहा है आपको, अगर आपको ऐसा हैंड है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको ऐसा हैंड है तो भी आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपका हैंड ऐसा है तो आप लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज आप लोग देख सकते कि इधर का जो गैप है वो बहुत बड़ा है और इधर का गैप बहुत बड़ा है और नीचे से बहुत कम है और इधर का गैप छोटा से लेकर धीरे बड़ा हो रहा है, मतलब कि ये नॉर्मल है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे बात करें, जो कि फिंगर से मिला हुआ है। जिस कैंडिडेट का भी फिंगर में पानी आता है उसको रीमेडिकल के लिए दिया जाता है। इसके बाद गाइज आता है आई मेडिकल को लेकर, जो कि एक बहुत ही हार्ड मेडिकल होता है, जिसमें पहला आपका होता है अगर आपका आई 6x6 या 6x9 नहीं होता है तो आपको रीमेडिकल दिया जाता है। इसके बाद आपका कलर विजन टेस्ट होता है, जिसमें आप लोग इधर डिस्प्ले में देख सकते कि ऐसा कुछ करके पेपर दिया जाएगा और आप लोगों को बोलना होगा कि कौन सा पेपर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है।
तो पहला जो पेपर है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 12 लिखा हुआ है, इसके बाद इसमें 15 लिखा हुआ है, इसमें भी 15, इसमें 5 लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ऐसे कुछ पेपर दिया जाएगा और आप लोगों को बोलना होगा कि कौन सा पेपर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो गाइज इसके बाद आता है आपका टीथ मेडिकल, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपका टीथ ऐसा है तो आपको डायरेक्ट रीमेडिकल के लिए दिया जाएगा, अगर आपका टीथ ऐसा है तो आप लोगों को रखा जाएगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि जो थर्ड नंबर फोटो में आप लोगों को दिख रहा है, अगर आपका टीथ ऐसा भी है तो भी आप लोगों को नहीं लिया जाएगा, आप लोगों को रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, आप लोग इधर फोटो देख सकते कि लास्ट वाला जो ये फोटो है इसको भी नहीं लिया जाएगा, और लास्ट फोटो अगर आप इस फोटो को देखोगे तो इधर अंदर साइड कोई पोर्शन खराब हुआ है, तो इस फोटो को भी नहीं लिया जाएगा। तो गाइज इसके बाद बात करें IAR मेडिकल को लेकर, जो कि एक बहुत ही सिंपल मेडिकल होता है। अगर आपका जो एयर है उसके अंदर डस्ट मिला है तो आपको रिमेडिकल के लिए दिया जाएगा। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट पे की बात करें, जो कि टेस्टिकल को लेकर, आप लोग इधर देख सकते कि सभी जो मेल कैंडिडेट है उसका 2 टेस्टिकल होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का टेस्टिकल 3 है तो उसको बाहर काट दिया जाएगा। इसके बाद आता है जो अपना जो टैटू है उसको लेकर, तो अगर आप इस फोटो को देखोगे तो उसमें जो टैटू है वो बहुत ही हार्ड कैटेगरी का टैटू है, जो कि नहीं लिया जाएगा। अगर आपका हैंड या पैर में ऐसा कुछ करके टैटू है जो कि बहुत ही बड़ा टाइप का है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको रीमेडिकल तक भी नहीं दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। और अगर आपका टैटू इस जैसा है, आप लोग इधर देख सकते हैं कि, तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, बिकॉज ये लाइट वेट टैटू होता है जिसमें किसी किसी बंदे का अपना नाम लिखा होता है। तो अगर आपका हैंड में ऐसा कुछ करके टैटू लिखा हुआ है जो कि बहुत ही स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो आपको मेडिकल पॉइंट दे सकता है। तो गाइज ये था मेडिकल को लेकर कुछ पॉइंट। इसके अलावा कोई कोई सेंटर में और कुछ भी चेक करता है, जैसे कि आपका फ्लैट फुट चेक होता है, आपका ब्लड लिया जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सब कुछ आपका आपसे लिया जाता है। इसके अलावा शुगर टेस्ट भी होता है। तो मैं इस वीडियो में बेसिक मेडिकल के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और जो भी मेरा चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना।